जी सर, चलिए टाउन में शहर में ज्यादा था, लेकिन अब देखते हैं कई दिनों से कि हमारे देहात में भी बहुत ज्यादा मात्रा में ये बीमारी फैल गया है। काफी लोग परेशान थे, इसी बीच में हम लोगों ने ऑक्सीजन जो लोग कर रहा था, हम लोग कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर का भी व्यवस्था किए, और यहाँ तक के हम लोग रात दिन एक के गाड़ी भिजवा करके सिलेंडर भरवा करके लाके लोगों को यहाँ पर देने का ऑक्सीजन काम करना काम किए। और हमारे यहाँ के जो प्रेजेंट मुखिया हैं गुड्डू बाबू, वो रात दिन एक करके लोगों तक ऑक्सीजन पहुँचाने का काम किया, और लास्ट में ये हुआ जब ऑक्सीजन में परेशान हुई तब फिर किसी तरह से दो कंसंट्रेटर का व्यवस्था करा करके हम लोग आज डॉक्टर साहब जो हैं हमारे कोचाधमन के, वो और प्रखंड विकास पदाधिकारी सिकंदर बाबू हैं, अफसर इंचार्ज कोचाधमन हैं, और मुखिया गण हैं और समिति गण लोग भी हैं, बहुत लोग सारे लोग आकर के इलाके का फलां बेबूदी के साथ काम करने के लिए एकजुट होकर के, डॉक्टर मुन्ना साहब भी हमारे यहाँ पर हैं ये, और वो डॉक्टर आरफिन बाबू भी हैं, और बहुत सारे डॉक्टर इसमें लगे हुए हैं, रात दिन ये करते हैं, हमारा देखा हुआ है, ये लोग सोते तक नहीं हैं और खिदमत में लगे रहते हैं, जिसके चलते ये अभी इस महामारी के टाइम में इसका होना जरूरी था, इसलिए हम लोग इसको लाए। और फिर हम अभी ऑक्सीजन प्लांट लगाने के बारे में भी सोच रहे थे, इसी बीच में आज से चार दिन पहले डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल साहब भी हमसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम 22 तारीख को ऑक्सीजन का ओपनिंग कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने उसको उसका प्रोग्राम को छोड़ कर ये कंसंट्रेटर का आज उद्घाटन करा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दे रहे हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी हमारा तमाम व्यवस्था है, वहाँ पर भी हमारे डॉक्टर साहब रात दिन एक करते हैं, और यहाँ पर इलाके में बहुत सारे लोग आते हैं ऑक्सीजन के लिए। ये आपके ऑफिस में रहेगा सर या फिर? हमारे ऑफिस में नहीं, ये ऑफिस में नहीं, ये पर कहीं पर एक सेंटर बनाएंगे, वो सेंटर में आकर के लोगों को ऑक्सीजन दिलेंगे, और कहीं पर घर पर भी भेजना पड़ता है, उसके लिए हमारे पास 12-13 सिलेंडर है, वो सिलेंडर को भी हम लोग घर पर भी भेजते हैं, इसको तो अस्थायी जगह पर कहीं पर रखना पड़ेगा। अस्थायी जगह नहीं हुआ? हाँ है, मेरे बरबट्टा अस्थी मार्केट में ही कहीं पर होगा। आपके यहाँ? हाँ अभी होगा। लोगों की जरूरत हो तो आपके? हाँ आएगा, हम लोग यहाँ सेंटर बनाएंगे। इसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर जो? हेल्पलाइन मेरा जो नंबर है वही मेरा नंबर है, मुखिया जी का जो नंबर है वही नंबर है, गुड्डू बाबू का। और कैसे इसका यूज होगा और उपयोग क्या क्या है इसका सर? ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है ये हवा से जो है ऑक्सीजन को छान के प्यूरीफाई करता है, और इसको हम लोग कंटिन्यूस चला सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि स्टोरेज इतना है वो तो नहीं, हवा से डायरेक्ट छान के वो ऑक्सीजन को। सिलेंडर की जरूरत नहीं? हाँ सिलेंडर बिजली रहेगी तब तक ये चलते रहेगी। हाँ बिजली पर चलते रहेगी, और साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन प्योर ऑक्सीजन वो प्यूरीफाई करता है, जैसा कि हाँ छान के देता है, ठीक। हाँ और इससे ये होगा कि हम लोग जो लिमिटेड अमाउंट में सिलेंडर मेरे यहाँ रहने के वजह से जो सिलेंडर हम लोग घर में नहीं भेज सकते हैं, तो ये अगर चला जाएगा तो हमको इसका टेंशन नहीं रहेगा कि भाई उनको जितना ज़रूरत है वो ऑक्सीजन लेस इस्तेमाल कर सकते हैं, चला सकते हैं, तो इससे बहुत फ़ायदा होगा उन लोगों को।